Hello, my dear children. This is Shikha Arora, and today we are going to start with class 8 science, chapter number 1, that is crop production and management. So let's get started. The aim of this chapter includes what is agriculture, tools used in agriculture, agriculture practices, and animal husbandry. So have a look on warm up. Ramu the farmer is growing some plants in his field. Identify and write the name of plants growing in his field. तो आपको यहाँ पे identify करके बताना है कि वो कौन कौन से plants grow कर रहा है. जैसे यहाँ हम देख सकते हैं he is growing corn. And what is he growing here? He is growing cotton in this field. Agriculture and crops. Now children, agriculture हम क्यों करते हैं? भाई agriculture की जो practices है ये हम कितना time हो गया. India is an agricultural country. कितने टाइम से एग्रीकल्चर इज बीइंग डन इन इंडिया. तो हम ऐसा क्यों करते हैं? जस्ट टू ऑब्टेन फूड. हमें खाना खाना है, खाने के लिए हमें पहले क्रॉप्स को उगाना पड़ेगा, इसीलिए तो हम एग्रीकल्चर करते हैं. सो द एनर्जी फॉर आवर बॉडी इज डिराइव फ्रॉम द फूड वी ईट. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि एनर्जी कब रिलीज होती है? जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है इन साइड आवर बॉडी. सो फॉर दैट एनर्जी के लिए हमें खाना खाना बहुत जरूरी है. द ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अ रैपिड रेट. इन ऑर्डर टू मीट द इट्स फूड रिक्वायरमेंट वी नॉट ओनली नीड टू एनहांस फूड प्रोडक्शन बट ऑल्सो नीड टू मैनेज प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड. तो क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो इस पॉपुलेशन की नीड्स को मीट करने के लिए हमें सिर्फ खाना ही नहीं चाहिए, हमें ऐसी नई टेक्निक्स चाहिए जिसके थ्रू हम ज़्यादा अमाउंट में फूड को ग्रो कर सके, उसको स्टोर कर सके और उसको हेल्दी बना सके. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल फॉर फूड फाइबर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर इज बेसिकली अ प्रैक्टिस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम क्रॉप्स को कल्टिवेट कर रहे हैं, एनिमल्स को रियर कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ मीट, फाइबर तो एंड फूड. दिस इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर. प्लांट्स ऑफ सेम काइंड व्हेन कल्टिवेटेड एट सेम प्लेस ऑन लार्ज स्केल फॉर फूड, फॉडर, फाइबर और अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड क्रॉप्स. तो जिन क्रॉप्स को हम उगाते हैं फील्ड्स पर लार्ज अमाउंट में ताकि हम सफिशेंट अमाउंट में फूड की प्रोडक्शन ला सके, हम फॉडर क्रिएट कर सके, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप्स. और जिन फील्ड्स पे हम इनको उगाते हैं, मतलब जिस लैंड पे इनको हम उगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फील्ड. क्लिकीपीडिया, सी द क्लिकीपीडिया चिल्ड्रन. द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, दैट इज एगर. एगर मीन्स फील्ड और लैंड. एंड कल्चरा, कल्चरा मीन्स टू कल्टिवेट, उसको कल्टीवेट करना. लैंड के ऊपर जब हम क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर. क्रॉप्स बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन. तो क्रॉप्स को हम किस किस कैटेगरी में डाल सकते हैं? क्रॉप्स को हम इस कैटेगरी से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस किस यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें, वो कौन कौन से यूजफुल प्रोडक्ट्स जो हैं हमें उन क्रॉप से मिलते हैं. द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम क्रॉप्स आर रेफर्ड टू एज क्रॉप प्रोड्यूस. सम कॉमन क्रॉप प्लांट्स ग्रोन इन इंडिया आर लिस्टेड इन द टेबल बिलो. तो अगर आप इस टेबल को देखो तो हमें कौन कौन से टाइप के क्रॉप्स होते हैं हमारे पास? सीरियल्स हैं, वी हैव पल्सेस, ऑयल सीड्स, रूट क्रॉप्स, ट्यूबर क्रॉप्स, शुगर क्रॉप्स, प्लांटेशन कैश क्रॉप्स या फिर फाइबर क्रॉप्स. नाउ सीरियल्स विल इंक्लूड वीट, बार्ले, राइस, मेज, मिलेट. वेर एज पल्सेस, पल्सेस के अंदर आती हैं आपकी दालें जैसे कि बीन्स, ग्राम, पीज. ऑयल सीड्स, ऑल द ऑयल यील्डिंग सीड्स जैसे कि सनफ्लावर, ग्राउंड नट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल. रूट क्रॉप्स जैसे कि स्वीट पोटैटो, ट्यूबर क्रॉप्स, टेपियोका पोटैटो. शुगर क्रॉप्स में आएंगे आपके जिससे आप शुगर डिराइव कर सकते हैं जैसे कि बीट रूट से या फिर शुगर केन से भी. प्लांटेशन और कैश क्रॉप्स, चिल्ड्रन कैश क्रॉप्स वो होते हैं जिनको हम इसलिए कल्टिवेट करते हैं इन ऑर्डर टू मेक मनी. तो ऐसे में आ सकते हैं हमारे टी, कॉफी, कोकोनट, रबर. एंड फाइबर क्रॉप्स यू ऑल नो, जिनसे हमें फाइबर मिलता है जैसे कि कॉटन हो गया, जूट है, फ्लैक्स है. सो ऑल दीज आर फाइबर क्रॉप्स. क्रॉप्स बेस्ड ऑन सीजन. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सीजन वी कैन डिफरेंशिएट क्रॉप्स इनटू टू टाइप्स. वन इज कॉल्ड एज खारिफ क्रॉप एंड वन इज कॉल्ड एज राबी क्रॉप. तो खारिफ क्रॉप वो होते हैं जिनको हम मानसून सीजन में सो करते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए. दे आर कल्टिवेटेड इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई और इनको हम हार्वेस्ट करते हैं
ऑन द ऑनसेट ऑफ विंटर्स, यानी कि सितंबर और अक्टूबर के टाइम में, जैसे कि पैडी हो गया, कॉटन, सोया, सोयाबीन, मेज, तो ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, ये सब है खारिफ क्रॉप्स. देन वी हैव राबी क्रॉप्स. राबी क्रॉप्स वो होते हैं जिनको हम विंटर्स में ग्रो करते हैं, दैट इज बिटवीन अक्टूबर एंड अप्रैल, क्योंकि उनको कम पानी की जरूरत होती है, जैसे कि वीट, ग्राम, बार्ले, पी, लिनसीड, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, ये हैं राबी क्रॉप्स. यू कैन सी द राबी क्रॉप्स हियर, वीट, ग्राम, बार्ले एंड पी हियर. क्रॉप्स बेस्ड ऑन पर्पस. नाउ ऑन किस काम के लिए हमें क्रॉप्स चाहिए, उसके बेसिस पे हमने क्रॉप्स को तीन पार्ट में डिफरेंशिएट किया है. पहला है फूड क्रॉप. एज द नेम इंडिकेट, जो क्रॉप्स हम फूड के लिए उगा रहे हैं ताकि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकें, उनको हम बोलते हैं फूड क्रॉप्स. अ क्रॉप ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ फूड, जैसे कि वीट, पैडी आर एग्जाम्पल्स ऑफ फूड क्रॉप. देन वी हैव सब्सिस्टेंस क्रॉप्स. नाउ वॉट आर सब्सिस्टेंस क्रॉप्स? सब्सिस्टेंस क्रॉप्स आर द वन विच द फार्मर ग्रोज फॉर हिज ओन फैमिली. मतलब ये हम सेल नहीं करेंगे, इसका ज़्यादातर अमाउंट जो है वो हमारे फैमिली में ही कंज्यूम होगा. अ क्रॉप ग्रोन बाय द फार्मर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ देयर फैमिली एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ मार्केटिंग, ऐसे क्रॉप्स को हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्रॉप्स. एंड लास्टली कैश क्रॉप्स. कैश क्रॉप्स वो होते हैं जिनको हम ग्रो करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, जिनसे हम मनी बना सकें, ऐसे क्रॉप्स को हम बोलते हैं कैश क्रॉप्स. अ क्रॉप ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ सेल एंड प्रॉफिट, जैसे कि टी, कॉफी, कोकोनट आर एग्जाम्पल्स ऑफ कैश क्रॉप्स. नाउ चिल्ड्रन हैव अ लुक ऑन द ट्रैक योर प्रोग्रेस. Name the following. A plot of land used for cultivation of crop plant. तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं field. आप यहाँ पे field लिखेंगे. The plant products grown for sale and profit. ऐसे crops को हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं cash crops. Crops grown during मॉनसून सीजन, जिनको ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, तो वो होते हैं हमारे खारिफ क्रॉप्स. स्टेट ट्रू एंड फॉल्स. क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग रेनी सीजन आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स. नहीं, उन्हें हम खारिफ क्रॉप्स बोलते हैं. अ क्रॉप ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ फूड इज कैश क्रॉप. नो, इट इज अगेन फॉल्स. Cotton and jute are the example of fiber fabric, fiber crops. Yes, it is true. Like this, you are going to complete the track your progress. Basic practices of crop production. तो children, अगर कोई farmer है, अगर उसको अपने field में crops को उगाना है, तो उसे different different type की farming techniques पता होनी चाहिए कि हमें पहले क्या करना है. अगर कोई layman है, like हम जैसे बच्चे हैं कोई, अगर उनको हम कहें कि जाओ जाके क्रॉप्स उगाओ फील्ड में, क्या वो उगा पाएंगे? नहीं उगा पाएंगे, क्योंकि उन्हें बेसिक्स ही नहीं पता एग्रीकल्चर का, उन्हें पता ही नहीं कि हमें सबसे पहले क्या करना है. तो फार्मर को डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स पता होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पता होते हैं, किसके थ्रू वो अपने फील्ड में बहुत अच्छी ग्रोथ लेकर आ सकता है. उसी प्रैक्टिसेस को हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले इंक्लूड होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. Then it includes selection and sowing of seeds. Third होता है application of manures and fertilizers. Then irrigation, weeding, harvesting, storage. तो ये सारे ही processes इसी sequence में एक farmer follow करता है to have a good harvest. The machines and the tools used for agricultural practices are called agricultural implements. अब सब काम तो हम हाथ से नहीं कर सकते भाई. जो काम फार्मर पहले हाथ से करते थे तो उनको बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था ये सब चीज़ें, और बहुत हार्ड वर्क भी लगता था. और आजकल विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस हमारे पास ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं जिससे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो बहुत सिंपल हो गई हैं. उन्हें को ही हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. तो सबसे पहले चीज़ क्या करनी होती है फार्मर को, जब भी वो क्रॉप्स का कल्टिवेशन शुरू करता है, सबसे पहले उसे सॉइल को प्रिपेयर करना होता है. तो ज़मीन के अंदर जो सॉइल है, उस सॉइल को उसको लूजन अप करना होता है, क्योंकि अगर सॉइल लूज नहीं होगा तो उसकी रूट्स तक, आप प्लांट्स की रूट्स तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचाओगे? दूसरा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे उसके ऊपर थ्राइव कर पाएंगे? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर द सॉइल फर्स्ट. बिफोर सीइंग द सीड्स,
the farmer, the soil should be prepared for good yield. तो इसके लिए हमें दो स्टेप्स करने होते हैं. सबसे पहला होता है प्लॉइंग. तो प्लॉइंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम सॉइल को लूज करते हैं और उसको अपसाइड डाउन टिल्ट कर देते हैं. टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग. इट इज डन बाय यूजिंग प्लाउ, होए और द कल्टीवेटर्स. तो प्लाउ क्या होता है, ये एक वुडन इम्प्लीमेंट होता है जिसके साथ एक स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप लगी होती है जिसको हम बोलते हैं प्लोशेयर. द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड नोन एज प्लॉ शाफ्ट which has a handle at one end. The other end is attached to the beam placed on the bull's neck. जैसे आपने हल देखा है ना, हल चलाते हैं, so ये वही चीज़ है जिसमें farmer क्या करता है, with the help of bullock, so वो अपना easily field को, soil को loose कर सकता है. A pair of bulls and a man operate the plow. Iron plows are now replaced wooden plows. तो पहले तो हम ये काम करते थे, हल लेके चलता था किसान, अब ये काम जो है वो हम easily machines के through भी कर सकते हैं. Then it's a hoe is made up of metal blade fixed to a wooden handle. It is used to loosen the soil and remove weed. तो जैसे फावड़ा होता है ना, फावड़े की तरह ही होता है hoe. So इससे हम क्या करते हैं, इससे हम soil को loose भी कर सकते हैं और अगर उस field के अंदर कोई weeds वगैरह grow, unwanted crops जिनको हम बोलते हैं weeds, अगर वो grow कर गए हैं उनको भी हम उससे remove कर सकते हैं. Cultivators. Nowadays, plowing in large field is done using cultivators. तो ये cultivators क्या होते हैं, ये easily tractors में ही fit हो जाते हैं और ये बहुत easily without working hard, बहुत ज़्यादा labor भी नहीं लगती, मेहनत भी नहीं लगती और field जो है वो हमारा easily loosen up हो जाता है. They have many plowshare that can dig into larger fields, saving both time and labor. So you can see iron plow here, a wooden plow and a hoe, and then you have a cultivator here. Advantages of plowing. So children, सबसे पहला हमने जो हमारा process था, that means loosening of soil. तो loose हमने क्यों किया soil को, ताकि plants उसके अंदर easily fix हो सके और उनकी जो जड़ें हैं वो soil को easily hold कर सके. दूसरी चीज़, microorganisms जो कि हमारे soil में humus को add करते हैं, वो easily up and down move कर सके soil के अंदर, so that they can create air spaces. एयर स्पेसेस अगर होंगी तभी तो ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विल बी एबल टू मूव टुवर्ड्स द सॉइल और रूट्स जो है वो इजिली रेस्पायर कर पाएंगी. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एडवांटेजेस ऑफ प्लॉइंग. लूज सॉइल हैज मेनी एयर स्पेसेस इन इट दैट हेल्प्स इन द ब्रीदिंग ऑफ रूट्स. लूज सॉइल हेल्प्स इन फिक्सिंग द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड, अलाउइंग द रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर. Loose soil supports the growth of soil organisms like earthworm. Now children, earthworm is the farmer's friend. ये कहा जाता है कि जिस फील्ड में earthworms होते हैं वहाँ पर जो humus की कंटेंट है वो ज़्यादा होता है. तो help in increasing the fertility of the soil. तो earthworms क्या करते हैं, earthworms excrete out करते हैं soil में, जो कि क्या कर रहा है, soil को rich बना रहा है nutrients में. दूसरी चीज़, ये डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं जो कि ह्यूमस अगेन ऐड करता है एंड दे मूव अप एंड डाउन इन द सॉइल विच क्रिएट्स एयर स्पेसेस, ताकि ऑक्सीजन जो है वो रूट्स तक पहुंचाई जा सके. इसीलिए अर्थवर्म्स को बोला जाता है फार्मर्स फ्रेंड. विच डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड ह्यूमस. ह्यूमस इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ. Plowing helps bring the nutrient-rich soil to the surface. तो इसी की वजह से जितना भी soil के अंदर nutrient है वो surface पे आ सकता है और plants द्वारा easily absorb किया जा सकता है, making it available for the plant use. It helps in mix fertilizers uniformly with the soil. तो fertilizers भी जो है वो हम soil में ही easily add कर पाएंगे अगर soil loosen up है तो. It helps to uproot weeds. तो weeds भी इसके द्वारा ही remove किए जा सकते हैं. Then second process is called as leveling. तो ये भी हमारा preparation of soil का second step है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम soil के surface को uniform बना देते हैं. It is done with the help of wooden or iron levelers. तो अब आप ये देख सकते हो, ये रहे levelers जो कि क्या काम करते हैं, ये soil को evenly spread करने में help करते हैं, उसके सतह को uniform बना देते हैं. इसके advantages क्या क्या हैं? Bigger clumps of soil called crumbs are broken down into smaller pieces. तो हम बड़े बड़े soil के pieces को छोटे छोटे soil particles में break कर सकते हैं. It prevents soil erosion caused by wind or water. तो जब हमारा soil बिल्कुल level रहेगा तो it will not be easy for wind or water to remove it, leading to soil erosion.
नाउ अब सेकेंड प्रोसेस जो है, फर्स्ट प्रोसेस तो हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया, सेकेंड प्रोसेस क्या है? सेकेंड प्रोसेस है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। तो सबसे पहले तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि जो सीड्स आप अपने फील्ड में डालने वाले हो वो हेल्दी हैं या नहीं हैं। अगर हमारी सीड्स हेल्दी नहीं होंगी तो जो हमें यील्ड मिलेगी वो भी हेल्दी नहीं होगी, वो भी इन्फीरियर क्वालिटी की होगी। इसीलिए हमें अच्छी क्वालिटी की सीड्स को ही सो करना चाहिए इफ़ वी वॉन्ट अ गुड यील्ड, इफ़ वी वॉन्ट अ गुड हार्वेस्ट फ्रॉम आवर फील्ड। फार्मर मस्ट बी केयरफुल अबाउट द सीड्स दे सो। The selected seeds should be of good quality, healthy, disease-free and clean honi chahiye. The following factors must be considered while sowing seeds. Seedlings should have enough space for growth to prevent competition for nutrients, water and sunlight. तो जब हम सीड्स को डाल रहे हैं तो हमें इस हिसाब से सीड्स को स्प्रेड करना चाहिए कि वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे हों। अगर हम सारी की सारी सीड्स एक ही जगह पे डाल देंगे तो क्या होगा, वहाँ पर कंपटीशन हो जाएगा कि न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन हो जाएगा, सनलाइट के लिए कंपटीशन हो जाएगा, और जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सीड्स होंगी वही सरवाइव कर पाएंगी, बाकी सारी जो होंगी वो डेड हो जाएंगी। सीड्स शुड बी सोन एट राइट डेप्थ। अगर हम सीड्स को राइट डेप्थ पे नहीं सो करेंगे तो क्या होगा भाई, अगर हमने सीड्स को ऊपर ऊपर ही डाल दिया और उसके ऊपर वो सॉइल से कवर्ड नहीं है तो दे कैन बी ईटन अप ईजिली बाय बर्ड्स, बर्ड्स खा जाएंगी उन्हें, स्क्विरल्स खा जाएंगी। सो हमारा फील्ड की ग्रोथ कैसी हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। और अगर कहीं हमने उनको ज़्यादा डेप्थ में डाल दिया और उसके बाद उसके ऊपर सॉइल कवर कर दिया तो उनको एयर स्पेसेस नहीं मिलेंगी, वो ब्रीद नहीं कर पाएंगी, तो भी हमारी यील्ड पे फर्क पड़ जाएगा। सीड शुड बी सोन एट द राइट डेप्थ। इफ दे आर टू क्लोज टू द सर्फेस दे मे बी ईटन बाय बर्ड्स, इफ दे आर सोन टू डीप दे मे नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन। सीड्स कैन बी सोन यूजिंग ईदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो हम सीड्स को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से अपने फील्ड में सो कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का क्या मतलब है, जब हम सीड्स को फील्ड में स्प्रेड करते हैं यूजिंग आवर हैंड्स, उसे हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। द मेथड इन्वॉल्व स्कैटरिंग सीड्स बाय हैंड। इट हैज़ टू डिसएडवांटेजेस, पहला कि हम इवनली सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, दूसरा हो सकता है कुछ सीड्स हमसे ज़्यादा एक जगह पे गिर जाएं और दूसरी जगह पे कम सीड्स गिरे, तो जहाँ ज़्यादा सीड्स इकट्ठे अक्यूमुलेट हो जाएंगी वहाँ पे तो कंपटीशन हो जाएगा। द सीड्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड लाई टू क्लोज टू द सर्फेस, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ अनइवन स्पेसिंग यूजिंग अ सीड ड्रिल। सो सीड ड्रिल को यूज करना इज अ गुड मेथड फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स। सोइंग ऑफ सीड्स का बेस्ट मेथड है यूजिंग अ सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल में क्या होता है, इट हैज़ अ फनल शेप्ड बाउल कनेक्टेड टू अ सीरीज ऑफ लॉन्ग ट्यूब्स विद नैरो होल्स। तो इनके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, एंड दे आर इवनली स्पेस्ड, ताकि जब हम फील्ड में मूव कर रहे हैं तो हमारी जो सीड्स हैं वो जो जिस जिस डिस्टेंस पे जा रही हैं वो डिस्टेंस उनके बीच का इक्वल रहता है। इट इज़ अटैच्ड टू द प्लाउ एंड रिलीज सीड्स ग्रेजुअली एज द प्लाउ फरोज द लैंड। The seeds are automatically covered by soil, which prevents the damage from birds and save time and labor. This is quicker and more efficient method of sowing seeds. Now children, we have an activity here, see it? Aim to select healthy or good quality seeds. तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो seeds हमारे पास हैं वो healthy हैं या नहीं हैं? अगर मम्मी घर में राजमा बनाती हैं तो मम्मी क्या करती हैं सबसे पहले? मम्मी राजमा को घर में पानी में soak करती हैं overnight. तो क्या होता है, जो अच्छी क्वालिटी की सीड्स होती हैं वो तो नीचे बैठ जाती हैं और जो इन्फीरियर क्वालिटी की सीड्स होती हैं वो पानी में ऊपर ही तैरती रहती हैं और फिर मम्मी उनको फेंक देती हैं। सो यही काम हम यहाँ करेंगे। मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए बाउल, वाटर एंड किडनी बीन्स। किडनी बीन्स क्या होते हैं? राजमा। नाउ द प्रोसीजर, टेक अ बाउल हाफ फिल विद वाटर। आप एक बाउल लेंगे और उसको हाफ फिल करेंगे वाटर के साथ और उसमें थोड़ी सी किडनी बीन्स डाल देंगे। वेट फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ सीड्स जो हैं वो तो बॉटम पे बैठ जाएंगी और कुछ सीड्स जो हैं वो पानी में अभी भी फ्लोट कर रही होंगी। द सीड्स दैट सेटल डाउन आउट द बॉटम आर गुड फॉर सोइंग। तो ये वाली जो हमारी सीड्स जो नीचे सेटल डाउन हो गई हैं ये गुड क्वालिटी की सीड्स हैं, और जो सेटल नहीं हो पाई वो हमारी इन्फीरियर क्वालिटी की सीड्स हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो अभी तक हमने दो काम करे हैं, पहला हमने सॉइल को प्रिपेयर किया था, फिर हमने उसके अंदर सीड्स को सो कर दिया था।
After that, the main important thing is to add manures and the fertilizers. Crop plants require nutrient for their growth which they obtain from the soil. तो आपको पता ही है जब हम plants को grow करते हैं soil में तो क्या होता है, plants derive their nutrition from the soil. इसीलिए जो हमारा soil है उसके अंदर nutrients की मात्रा अच्छी होनी चाहिए. अगर soil के अंदर nutrients की मात्रा अच्छी नहीं होगी तो plants की growth भी healthy नहीं हो पाएगी. इसीलिए हमें टाइम टू टाइम ये चेक करना होता है कि हमारा सॉइल जो है वो फर्टाइल हो, हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट की कोई कमी ना हो. तो न्यूट्रिएंट की कमी को पूरी करने के लिए हम सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस डाल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं मैन्योर्स. सो मैन्योर्स किसके बने होते हैं, मैन्योर्स बने होते हैं डेड लीव्स, स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स, एनिमल्स जो मर जाते हैं उनको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करके किस में चेंज कर देते हैं, ह्यूमस में चेंज कर देते हैं विच इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. बट अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि भाई सॉइल के तो न्यूट्रिएंट चाहिए अलग अलग टाइप के, लेकिन मैन्योर जो है वो अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं कर पाता. तो ऐसे केस में जब सॉइल को एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है तब हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स का. बट फर्टिलाइजर्स अगेन आर केमिकल सब्सटेंसेज विच आर मेड इन द लेबोरेटरी, तो उनके भी अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं. दो दे एड फर्टिलिटी टू द सॉइल बट दे आर ऑल्सो हैव सम डिसएडवांटेजेस. सो लेट अस सी दिस इन डिटेल चिल्ड्रन. क्रॉप प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ विच दे ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल. व्हेन फार्मर्स ग्रो वन क्रॉप आफ्टर द अनदर द सॉइल द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल गेट डिप्लीटेड रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड. Therefore, to keep the soil fertile and increase the yield, a regular supply of nutrient is required. Manures or fertilizers are nutrient-rich compounds that are added to the soil for this purpose. Now, what is a manure? Manure, जैसे हमने अभी discuss किया, organic substance होता है, जो कि बनता है by the decomposition of plants and animals. जो plants मर गए हैं, leaves, dead leaves पड़ी हैं, animals हैं छोटे-छोटे जो जिनकी डेथ हो जाती है तो उनको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर देते हैं एंड चेंजेस देम इनटू ह्यूमस व्हिच ऐड द फर्टिलिटी टू द सॉइल. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स इन द फील्ड. द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द सॉइल इज कॉल्ड मैन्योरिंग. तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, भाई सॉइल की टेक्स्चर इंक्रीज होता है, इम्प्रूव्स द टेक्स्चर ऑफ द सॉइल, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है एंड नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स भी उसमें अच्छे से इंक्रीज हो जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं सॉइल को पोरस बनाने में. सो मैन्योर इंप्रूव्स द सॉइल टेक्सचर, इट इंक्रीजेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स एंड मेक्स द सॉइल पोरस. लेकिन इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, भाई हमने बनाया ह्यूमस तो हमने क्रिएट कर लिया बाय मेकिंग मैन्योर, लेकिन उसके अंदर वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट ना हो जो सॉइल को चाहिए, फिर क्या करें. तो इनके दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. जितने भी हमारे मैन्योर्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते हैं. मैन्योर इज स्लो एक्टिंग एंड मे ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय सीजनल वेरिएशंस. इट इज़ नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक विच लिमिट्स इज यूजफुलनेस व्हेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप. तो इस केस में हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स जो कि केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं. कहाँ बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज में, और ये उन न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं जो सॉइल को चाहिए, लाइक एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. तो ये एक टाइप का हमारा फर्टिलाइजर है जो कि हेल्प करता है टू इंक्रीज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस इन द सॉइल. फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज एंड आर रिच इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स. They provide nutrient in concentrated form, NPK, nitrogen, phosphorus and potassium. Urea and potash are some examples of fertilizers. Advantages of using fertilizers, ye easy to handle hote hain, easy to transport hote hain, soluble in water hote hain and they are easily absorbed by the plants. Aur ye plant ko wo wale nutrients bhi provide karte hain jisme soil deficient ho jata hai. So फर्टिलाइजर्स की अपनी इंपॉर्टेंस होती है. बट इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. क्या होते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स में हार्म सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स रिड्यूसिंग सॉइल फर्टिलिटी. भाई सॉइल के अंदर यू नो सॉइल इज अ होम ऑफ वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स.
लेकिन फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, उनके नंबर को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से वो डिकम्पोजिशन नहीं कर पाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है. दे आर अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. बिल्कुल, फर्टिलाइजर्स जो हैं दे मेक देयर वे टू द रिवर्स, रिवर्स में चले जाते हैं, जैसे कि रेन हुई तो बह के वो रिवर्स में चले गए, एंड देयर दे इंटरफेयर विद द एक्वाटिक लाइफ, दस रिजल्टिंग इन टू वाटर पोल्यूशन. सो चिल्ड्रन, हैव अ लुक ऑन डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. मैन्योर्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जहाँ की हमारे फर्टिलाइजर्स केमिकल कंपाउंड्स होते हैं. मैन्योर्स न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं. दे प्रोवाइड ह्यूमस एंड आर बल्की. ये बहुत भारी होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, ये ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते, बट दे आर ईजी टू हैंडल. मैन्योर्स डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, लेकिन वहीं हमारे फर्टिलाइजर्स जो होते हैं दे आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर. मैन्योर्स वाटर पोल्यूशन को कॉज नहीं करता है, लेकिन फर्टिलाइजर्स कॉज वाटर पोल्यूशन. क्रॉप रोटेशन अ मेथड टू रीप्लेनिश सॉइल न्यूट्रिएंट्स. तो सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए हम दूसरा मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन. व्हेन द सेम क्रॉप इज कल्टीवेटेड कंटिन्यूअसली इन अ फील्ड, द सॉइल्स फर्टिलिटी रिड्यूसेस ओवर टाइम ड्यू टू न्यूट्रिएंट डिप्लीशन. अगर हम एक ही फील्ड पे एक ही क्रॉप बार बार उगाते रहेंगे तो क्या होगा, सॉइल जो है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी. तो इन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्रॉप का रोटेशन करते हैं. मतलब हम कोई दूसरा क्रॉप उस फील्ड पे उगाते हैं, ताकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की रिप्लेनिशमेंट दोबारा से की जा सके. हाउएवर, प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स विद वेरिंग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इन डिफरेंट सीजन्स हेल्प्स टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी. फॉर इंस्टेंस, क्रॉप लाइक वीट और राइस अब्सॉर्ब सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल. तो हम क्या कर सकते हैं कि वीट के बाद हम कौन से क्रॉप्स उगाएं, ऐसे क्रॉप्स उगाएं जैसे कि लेग्यूमिनस क्रॉप्स, जो हेल्प करते हैं सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट को रीफिल करने में. दिस नाइट्रोजन डिप्लीशन कैन बी रिड्यूस बाय कल्टीवेटिंग अ सब्सिक्वेंट क्रॉप केपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. सच क्रॉप्स कैन थ्राइव इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल while simultaneously replenishing it with usable nitrogen through their nitrogen fixing ability. तो अगर हम leguminous crops की बात करें, जैसे कि हमारी दालें होती हैं, तो इनके जो roots होते हैं ना, उसमें nodules होती हैं, गांठें होती हैं. उन nodules के अंदर रहता है एक type का bacteria, rhizobium. और rhizobium क्या कर सकता है, rhizobium has the capacity to convert atmospheric nitrogen into soluble nitrates and nitrites. और वो सॉइल में इजिली अवेलेबल की जा सकती है और प्लांट इजिली उन्हें अब्सॉर्ब कर सकते हैं टू मीट देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट. लेग्यूमिनस क्रॉप सच एज पीस, बीन्स, सोयाबीन और ग्राउंडनट आर द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन इन रोटेशन टू प्रिवेंट सॉइल न्यूट्रिशन डिप्लीशन इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. Leguminous crops are often used in crop rotation as they fix atmospheric nitrogen and convert it into usable nitrogen. और इस process को हम क्या बोलते हैं, nitrogen scientific literacy fixation. तो हम क्या कर रहे हैं, nature में ही ऐसे organisms present हैं जो atmospheric nitrogen को change कर देते हैं soluble nitrates and nitrites में, ताकि वो easily plants के द्वारा use किया जा सके. Clickipedia, have a look on them. Nodules are formed on the roots of leguminous plant, rhizobia, a type of soil bacteria. तो ये रहता है इनके अंदर, जो कि atmospheric nitrogen को change करता है soluble nitrates and nitrites में. Rhizobia, a type of soil bacteria present in the root nodules. These bacteria fix atmospheric nitrogen. Mixed cropping is a farming system where two or more crops are grown in the same area at the same time. तो हम mixed cropping भी कर सकते हैं in order to obtain, एक तो हमारी yield बढ़ जाएगी, दूसरा क्या होगा कि हमारे soil के अंदर जिस जिस nutrient की deficiency है उसे भी हम, उस कमी को भी हम पूरा कर पाएंगे. Now the next steps is very important process which is called as irrigation. भाई आपने सीड्स सो कर ली, आपने सॉइल प्रिपेयर कर लिया, लेकिन सीड्स को हमें राइट अमाउंट का वाटर देना भी ज़रूरी है, क्योंकि सीड्स तभी डेवलप करेंगी, तभी जर्मिनेट करेंगी जब उन्हें राइट अमाउंट में टेम्परेचर मिलता है, वाटर मिलता है और ऑक्सीजन मिलती है. सो इरिगेशन मीन्स सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स फॉर देयर जर्मिनेशन, उसे हम बोलते हैं इरिगेशन.
Water is irrigation for the proper growth and development of crop. The regular supply of water to crop at specific interval is called as irrigation. Water requirement vary from crop to crop. अब अगर हम बात करें तो कुछ crops ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा amount में water चाहिए होता है, like paddy, like rice, तो इनको waterlogged conditions चाहिए होती हैं. लेकिन कुछ plants ऐसे होते हैं जिनको कम amount में पानी चाहिए होता है. For instance, kharif crops like rice require more water for growth than rabi crops like wheat. Wells, tube wells, lake, ponds, river, dams, canals are commonly used source of water for irrigation. तो हम इनसे भी पानी को draw कर सकते हैं और अपने fields में पहुंचा सकते हैं. Methods of irrigation, तो इसको हमने दो parts में divide किया है. एक है हमारा traditional method जिसमें हम tube wells use करते थे, well से पानी लेकर आते थे और अपने fields में डालते थे. और दूसरा है हमारा मॉडर्न मेथड जिसमें हम पानी जो है थ्रू पाइप्स अपने फील्ड में सप्लाई करते हैं. तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन रिक्वायर्स केटल्स और ह्यूमन लेबर. तो ये क्या होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता था और इसमें हमारा लेबर भी ज़्यादा खर्च होता था. सम एग्जाम्पल्स इंक्लूड मोट, चेन पम्प, ढेकली एंड रहत. इन दीज मेथड्स वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स, कनाल्स इज लिफ्टेड अप इन डिफरेंट वेज. दीज मेथड्स आर चीपर बट रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट वेस्टेज ऑफ वाटर. भाई ये सस्ते तो होते थे लेकिन क्या होता था, इसमें पानी की वेस्टेज होती थी. यू कैन सी अ मोट हेयर, अ चेन पम्प हेयर, अ ढेकली एंड अ रहत. तो इनके थ्रू हम वाटर को विड्रॉ कर सकते हैं और अपने फील्ड्स में इरीगेट कर सकते हैं. मॉडर्न मेथड्स, अब मॉडर्न मेथड्स जो हैं ये बहुत ही एफिशिएंट मेथड्स हैं. इसके अंदर पानी की ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होती. सो दीज इंक्लूड ड्रिप इरीगेशन. ड्रिप इरीगेशन में चिल्ड्रन पाइपलाइन बनाई जाती है प्लांट्स के आसपास और उस पाइप्स में छोटे छोटे होल्स कर दिए जाते हैं और उन पाइप्स के थ्रू, उन होल्स के थ्रू सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रोवाइडेड नियर द रूट ऑफ द प्लांट. तो इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हमारे वाटर की वेस्टेज जो है वो रुक गई है, हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं. सो ड्रिप इरीगेशन इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ इरीगेशन नाउअडेज. ड्रिप इरीगेशन, इट यूजेस अंडरग्राउंड पाइप्स विद स्मॉल होल्स एट रेगुलर इंटरवल पोजिशनड एट द रूट्स. दीज पाइप्स कैरी वाटर डायरेक्टली टू द रूट्स एंड प्रिवेंट इवेपोरेशन एंड फ्लडिंग. तो वाटर लॉगिंग की कंडीशन भी हम बचा पाएंगे अपने प्लांट को कि भाई वहाँ पे हम ज़्यादा अमाउंट में वाटर भी नहीं दे रहे, सिर्फ रूट्स के पास ही पानी पहुँचा रहे हैं. Hence, water is not wasted and is useful in areas with poor water availability. It is mostly used for fruit crops, gardens and trees. Then another very important method is sprinkler method. जैसे आपने देखा होगा ना gardens में छोटे छोटे से फव्वारे से लगे होते हैं और उनसे water जो है वो sprinkle किया जाता है. बिल्कुल ऐसे ही sprinklers जो हैं ये field में लगाए जाते हैं जो कि पानी को sprinkle करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बारिश की बूंदें करती हैं. It consists of a main pipeline connected with several perpendicular pipes having rotating nozzles at the top. Water flows through the main pipe under pressure with the help of pump and escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop like rain. It is useful for sandy soil which cannot retain water and is used for coffee plantation. So, coffee plantation mein hum zyadatar sprinkler method ko use karte hain. Then we have furrow irrigation. इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम fields में ridges and furrows बनाते हैं. हम अपने crop को तो ridges में grow करते हैं और furrows में हम पानी डाल देते हैं ताकि plant को easily water मिल सके. The field is divided into ridges and furrows. The plants are grown on ridges and water flows in the furrow through the pipe. Another method is basin irrigation. इसमें हम क्या करते हैं, हम field को convert कर देते हैं basin में, उसके अंदर हम पानी भर देते हैं. एंड इट इज़ यूज फॉर क्रॉप्स दैट रिक्वायर स्टैंडिंग वाटर. तो ये ऐसे क्रॉप्स के लिए हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें स्टैंडिंग वाटर की ज़रूरत होती है. सो यू कैन सी दिस स्प्रिंकलर मेथड. देखो ये कैसे पानी स्प्रिंकल कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेन ड्रॉप्स होती हैं. ड्रिप इरीगेशन में सिर्फ रूट के पास ही पानी डाला जाता है एंड दिस इज द फरो इरीगेशन. नाउ चिल्ड्रन हैव अ लुक ऑन एक्टिविटी. Germinate a few seeds in a pot. आप एक पॉट में छोटी छोटी सी सीड्स को आप germinate करें. Fill the container with water and arrange a piece of cloth fabric as shown in the figure. Keep the container with water at a higher level than the pot. आपका एक मिनी इरीगेशन सिस्टम रेडी है और इसे धीरे धीरे करके पानी जो है सिर्फ रूट्स तक ही पहुँचाया जाएगा.
It will provide water to the plant until the soil is adequately wet. Now the another important method is weeding. ये भी एक ऐसी practice है जिसके अंदर हमें weeds को remove करना होता है from the field. क्योंकि ये weeds क्या करती हैं? एक तो ये हमारे लिए useful नहीं है, दूसरा ये हमारे plant से compete करेंगी for the nutrition और nutrition absorb कर लेंगी. जो nutrition हमारे plant को मिलना चाहिए था वो ये weeds ले जाएंगी, तो इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी और ये हमारे लिए यूज़फुल बिल्कुल भी नहीं है. कुछ वीड्स तो टॉक्सिक होती हैं, इसीलिए इनको रिमूव करना जो है वो बहुत ज़रूरी है. और द प्रोसेस बाय विच द वीड्स आर रिमूव्ड इज कॉल्ड एज वीडिंग. वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप प्लांट. वीड्स नीड टू बी रिमूव्ड बिकॉज वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप फॉर न्यूट्रिएंट, वाटर, स्पेस एंड सनलाइट. Weeds may transmit disease from plant to plant. Some weeds are poisonous and if harvested along with the crop and consumed unknowingly can be quite toxic. So, ye hame bimar bhi kar sakti hain. The removal of weed from the main crop without damaging the crop is called as weeding. The most common weed that grows in almost every field is amarthas. Children, हमें अपने क्रॉप्स को बचाना होता है फ्रॉम द वीड्स. क्यों? तो इस प्रोसेस को जिसमें हम वीड्स को रिमूव करते हैं विदाउट डैमेजिंग आर मेन क्रॉप, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग. तो जो सबसे कॉमन वीड जो हमारे क्रॉप्स में उगाती है वो होती है अमरैंथस. तो अमरैंथस को हमें रिमूव करना होता है क्योंकि ये हमारे प्लांट के साथ कंपीट करती है फॉर द सनलाइट, फॉर वाटर एंड फूड. Methods of weeding. The first method is bua. इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम tilting कर देते हैं before sowing is done to uproot weed. जैसे हमने plowing कर दी तो इसके साथ ही क्या होगा? जितनी भी soil में weeds होती हैं वो remove हो जाती हैं. Manual method. Manual method में हम क्या करते हैं? हम इन weeds को pluck करते हैं with the help of our hands. या फिर हम किसकी help ले लेते हैं? हम trowel की help ले लेते हैं या फिर हम harrow की help लेते हैं. Weeds are can be removed either by pulling them out manually or with the help of trowel and harrow. Chemical methods, भाई अब weeds को खत्म करना है, हमारा field बहुत बड़ा है, हम easily हाथ से नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कुछ chemicals का इस्तेमाल करते हैं जिनको हम बोलते हैं weedicides. तो ये chemicals हम अपने crops के ऊपर spray कर देते हैं. ये chemicals हमारे crop को तो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं लेकिन इन weeds को खत्म करने में ये help करते हैं. Weeds can be controlled by using certain chemicals called weedicides like 2,4-D, metachlor, cyziazine, MCPA, etc. तो weedicides को हम सबसे पहले पानी के साथ dilute करते हैं और फिर हम इसे अपने field में spray करते हैं with the help of sprayer. They should be sprayed before the weeds start flowering. तो हमें इनको पहले ही डालना होता है इससे पहले कि weeds flowering start कर दें. उससे पहले ही आप इसको स्प्रे कर देते हो ताकि वीड्स जो है वो कम्प्लीटली रिमूव की जा सके. फार्मर्स शुड बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग वीडिसाइड्स बिकॉज दे कैन बी टॉक्सिक टू देयर हेल्थ. क्रॉप प्रोटेक्शन, भाई जब हमारे क्रॉप्स ग्रो कर जाते हैं फील्ड में तो हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स. ग्रेजिंग एनिमल से, बर्ड से हमें अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करना होता है. Standing crops need protection from grazing animals, birds, insects, worms and pests. Grazing animals are kept out of the farm by raising spiny hedge plants or barbed wire fencing around the field. तो या तो आप अपने field के चारों ओर fencing करेंगे, wires लगाएंगे या फिर ऐसे plant उगाएंगे जिनके अंदर hedges हो, spines हो. स्पाइंस की वजह से ये एनिमल्स को चुभेंगी तो वो आपके प्लांट्स के पास नहीं आएंगे. देन बर्ड्स, तो बर्ड्स को हटाने के लिए फार्मर्स क्या लगाते हैं? स्केयर क्रो. तो ये क्या करता है? ये बर्ड्स को डरा देता है जिसकी वजह से बर्ड्स आपके फील्ड में नहीं आती हैं. पेस्ट एंड इंसेक्ट्स, ग्रास ओपर्स आर बिग एंड ग्रीन विंग्ड इंसेक्ट्स दैट आर नॉट ऑलवेज सीन बट आर वोरेशियस ईटर्स ऑफ लीव्स, बर्ड्स एंड यंग स्टेम्स. इसीलिए ग्रास ऑपर्स और अदर इंसेक्ट्स को हटाने के लिए हम क्या स्प्रे करते हैं? हम पेस्टिसाइड स्प्रे कर देते हैं या फिर जिसको हम इंसेक्टिसाइड्स भी बोलेंगे ताकि इन इंसेक्ट्स को हम खत्म कर सकें.
Locusts are now no longer a problem. They have been eliminated. But at one time, locust swarms posed a great danger to the crop. So, इनको भी हमने pesticides और weeds, pesticides और insecticides के through हमने इन्हें finish किया है. Crops are also destroyed by microorganisms. कभी कभी microorganisms जैसे virus है, bacteria है, fungus है, ये भी हमारे crop को destroy करते हैं. To save crops from disease-causing microorganisms, they are sprayed with pesticides, fungicides, virus-infected plants. अगर प्लांट को वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है तो ऐसे प्लांट को हमें इरेडिकेट ही करना होगा और उसको बरी करना होगा ताकि सारे वायरस को ख़त्म किया जा सके. हार्वेस्टिंग, तो जब हमारे क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप इज टू कट एंड गैदर देम. द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. तो आपको अब अपने क्रॉप को हार्वेस्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर रबी क्रॉप्स लाइक वीट, हार्वेस्टिंग इज डन इन मार्च एंड अप्रैल. तो मार्च और अप्रैल का टाइम ऐसा होता है जब हम गेहूं को हार्वेस्ट करते हैं. इन केस ऑफ पैडी, विच इज अ खारिफ क्रॉप, हार्वेस्टिंग कब की जाती है? ये ऑनसेट ऑफ विंटर्स में की जाती है, यानी कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में. इन हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स आर कट क्लोज टू द ग्राउंड. तो हम ग्राउंड के क्लोज में हम अपने क्रॉप को कट करते हैं. ये हम मैनुअली भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिकल. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर लेडी सिकल यूज करके क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर रही है, या फिर हम इसके लिए मशीन भी यूज कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं हार्वेस्टर, जो कि हमारे ट्रैक्टर से अटैच्ड होती है. इन केस ऑफ सीरियल क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग इज फॉलोड बाय थ्रेशिंग एंड विनोइंग. तो हार्वेस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं? हम करते हैं थ्रेशिंग और विनोइंग. चिल्ड्रन हैव अ लुक ऑन क्लिकीपीडिया. In India, festivals associated with harvest seasons are celebrated. जैसे कि बैसाखी है, पोंगल है, लोहड़ी है. So ये जो festivals हैं, ये सारे festivals हमारे harvesting festivals होते हैं. जब हमारी गेहूं को harvest किया जाता है तो हम ये festivals celebrate करते हैं. Threshing, the process of separating grains from the harvested crop is called threshing. ये हम दो तरीके से कर सकते हैं. हम मैनुअली कर सकते हैं, भाई हम अपने क्रॉप को बीट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, गेहूं जो है वो अपनी स्टेम से सेपरेट आउट हो जाती है. बाय स्ट्राइकिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस बाय मशीन कॉल्ड एज थ्रेशर. या फिर आजकल हम थ्रेशर को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द शेफ्ट. अ फार्म मशीन कॉल्ड अ कंबाइन, आजकल कंबाइन यूज की जाती है जो कि हेल्प करती है हार्वेस्टिंग एज वेल एज थ्रेशिंग में. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज अ कंबाइन जो हार्वेस्टिंग भी कर रही है और साथ में थ्रेशिंग का काम भी कर रही है. देन इज विनोइंग. विनोइंग हमारा एक बहुत ही प्रिमिटिव मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, हम भाई गेहूं के साथ में मिक्स है डस्ट पार्टिकल्स और उसको रिमूव करने के लिए हम इसको विनो करते हैं. मतलब जब तेज हवा चल रही होती है तो एक छन्नी की सहायता से हम अपने वीट को नीचे की तरफ गिराते हैं. अब वीट ग्रेन्स क्या हैं? दे आर हैवियर, तो वो सीधे सीधे ही नीचे गिर जाएंगे. लेकिन उसके साथ जो हस्क है वो कैसी है? वो लाइट इन वेट है और वो विंड के साथ ब्लो होके दूसरी जगह गिर जाएगी. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज विनोइंग. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम शेफ और द हस्क विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोइंग. इन विनोइंग द थ्रेश क्रॉप इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, द ग्रेन और द सीड्स बीइंग हैवियर फॉल स्ट्रेट टू द ग्राउंड, वेयर एज द शेफ बीइंग लाइटर इज ब्लोन अवे बाय द विंड. स्टोरेज, भाई अब आपके ग्रेन्स भी रेडी हैं, इन्हें हमें स्टोर करना है. अगर हम इन्हें मॉइस्चर वाली स्पेस में अगर हमने इनको स्टोर कर दिया तो इनको क्या होगा, देयर वुड बी अ चांस ऑफ अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगस और हमारा जो क्रॉप यील्ड है वो खराब हो जाएगा. इसीलिए जब भी हमें अपने क्रॉप को स्टोर करना है तो हमें उसे अच्छे से ड्राई करना चाहिए, क्योंकि ड्राई चीज़ में जिसमें मॉइस्चर की कमी होगी वहाँ पर फंगल ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगी. Once the crop is harvested, the grains have to be free from moisture and safe from any kind of insect or pest attack. The presence of moisture promotes microbial growth in the grain. So grains are first dried in the sun और फिर हम इसको अच्छे से gunny bags में pack करते हैं और store करते हैं well ventilated godowns. अब जिस गोडाउन में भी हम इनको स्टोर कर रहे हैं ना, वहाँ पर हमें सबसे पहले पेस्टिसाइड स्प्रे करने चाहिए. हमें चेक करना चाहिए वहाँ रोडेंट्स तो नहीं है, जैसे कि चूहे, क्योंकि चूहे भी हमारे क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन ग्रैनरीज
or silos to protect them from pests such as rodents, microorganisms and insects. Improving crop production. So children, there is a great demand for of food in India because of the increasing population. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से फूड का डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगाने पड़ेंगे. लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा क्रॉप्स उगाएंगे तो इट कैन डिग्रेड इट्स क्वालिटी, तो हमें क्वालिटी को भी मेंटेन करना है. इसीलिए आजकल हम कुछ साइंटिफिक मेथड्स ऐसे यूज़ करते हैं विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स दैट वी कल्टिवेट. To meet this ever-growing demand, we need to increase our crop production. Some common areas where we can improve are the use of right amount of fertilizers and manures, irrigation facilities for farmers, good qualities of seeds for sowing and proper storage methods. In order to improve crop variety, various procedures are followed. और इसमें सबसे important process है plant breeding का. तो प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं कि ऐसे क्रॉप सिलेक्ट करते हैं जिनकी अंदर फेवरेबल कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं, मतलब जिनके अंदर क्वालिटीज जो होती हैं वो क्वाइट सुपीरियर होती है, और ऐसे क्रॉप्स को हम क्या करते हैं, हम क्रॉस करा देते हैं, मतलब इंटरब्रीड करा देते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन. तो जो हमारा नया प्लांट डेवलप होता है ड्यू टू दिस हाइब्रिडाइजेशन, उसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं. Plant breeding is often employed to improve genetically makeup of the crops so that they are economically more useful. Breeding or crossing between two different varieties of crop in order to incorporate the desired qualities of both parent and offspring is called as hybridization. The hybrids so produced could be better yielding, disease resistant, drought resistant, etc. However, the disadvantages can be that these crops may provide less fodder, require more fertilizers, weedicides and pesticides. Have a look on the track your progress children. True or false? Seed drill is used by farmers for seed dispersal. Again, this is true. Seed germination does not require water. False. Weeding should always be done before the weeds produce flowers. Yes, it is true. State in answer in one word. The process of loosening or turning the soil is called plowing. The method of sowing seeds by scattering them using hands. This is called as broadcasting. B-R-O-A-D, broadcasting. Organic substance obtained from animal and plant waste used to enrich soil is humus. The supply of water to agricultural fields at regular interval is called irrigation. Nitrogen cycle. Now children, nitrogen cycle is one of the most important cycle which is operating in nature. आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बट प्लांट्स जो हैं डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकते. दे डो नॉट हैव द मैकेनिज्म टू यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. उनको जो नाइट्रोजन चाहिए वो चाहिए सॉल्युबल फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. तो ड्यूरिंग लाइटनिंग क्या होता है, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो चेंज की जाती है nitrates and nitrites may so that it is easily available to plants and plants can use it for their nitrogen requirements. Plants and animal tissues and animal waste contain nitrogen in form of organic compound. When organic material mixes with the soil, decomposers, mainly soil fungi and bacteria, break down the organic matter and convert it into nitrate molecules. And this process is called as nitrification. तो nitrification वो method है जिसके through nitrates जो हैं वो plants को easily available कराए जाते हैं. You can see the nitrogen cycle here. Nitrates are easily soluble in water and are absorbed by the roots along with the water. Some of the nitrates is converted into nitrogen gas or nitrous oxide. अब जितनी यूज हो गई उतनी तो प्लांट्स ने यूज कर ली, लेकिन बाकी जो बची हुई है उसको हम नाइट्रोजन गैस में दोबारा से चेंज करते हैं
एंड रिटर्न कर देते हैं उसको एटमॉस्फेयर में। अब ये काम कौन करता है? ये काम करता है हमारा डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, एंड द प्रोसेस बाय विच इट डज इट इज कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन। फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, सिमिलर टू द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस डिस्कस्ड अर्लियर, एनिमल्स आर ऑल्सो रेयर्ड फॉर वेरियस पर्पसेज। अगर आपने देखा होगा विलेजेस में, तो विलेजेस में क्या काम हो रहा है कि सिर्फ क्रॉप्स ही कल्टिवेट नहीं किए जाते, वहाँ पर विलेजर्स जो हैं, फार्मर्स जो हैं, वो एनिमल्स को भी रेयर करते हैं। एनिमल प्रोवाइड अस फूड इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, एग, हनी एंड मीट। फॉर मिल्क वी ऑब्टेन्ड अदर फूड प्रोडक्ट्स सच एज बटर, घी एंड चीज। तो जो एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं उनको हम बोलते हैं डेयरी एनिमल्स। द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग एंड ब्रीडिंग एनिमल्स फॉर मिल्क इज टर्म्ड एज डेयरी फार्मिंग। एनिमल्स दैट गिव अस एग, मीट आर कॉल्ड पोल्ट्री एनिमल्स। तो हमने यहाँ पे एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, जैसे कि जो हमें मिल्क देते हैं या जिनसे हमें मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं डेयरी एनिमल्स, और जो एनिमल्स हमें एग प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं, उनको हम बोलते हैं पोल्ट्री एनिमल्स। द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग एंड ब्रीडिंग बर्ड्स टू प्रोवाइड अस विद एग एंड मीट इज कॉल्ड पोल्ट्री। हनी ऑब्टेन फ्रॉम हनी बी। अब हनी यू ऑल नो इज वेरी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस, लेकिन ये हनी किससे ऑब्टेन होता है? ये होता है हमें हनी बी से। तो हनी बी जो है ये नेक्टर सक करती हैं और उस नेक्टर को चेंज करती हैं हनी में। सो हम हनी बीज को भी आजकल रेयर आउट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ हनी एंड वैक्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज दिस प्रोसीजर और द प्रैक्टिस इज कॉल्ड एज एपीकल्चर। हनी ऑब्टेन फ्रॉम हनी बी इज ईजिली डाइजेस्टेबल एंड हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। For obtaining honey, honeybees are reared on large scale in big boxes called apiaries. Rearing honeybees on large scale is called apiculture. Likewise, the rearing and breeding of fish on large scale is called pisciculture. जब हम fishes को rear करते हैं या fishes को breed कराते हैं for the purpose of their meat and also to obtain different substances, that is called as pisciculture. The practice of breeding and raising animals on large scale is called animal husbandry. Now see an activity, children. Place a shallow container filled with concentrated sugar solution in a garden. If conditions are suitable, bees will visit the sugar containers. Observe the bees from a distance. Why does the bee visit the container? तो अब ये आपका काम है, आपको ये बताना है कि बीज शुगर कंटेनर को क्यों विजिट करेंगी। सो यू कैन ऑल नो कि बीज क्या बनाती हैं, हनी बनाती हैं, एंड हनी इज अ फॉर्म ऑफ शुगर, इसीलिए वो शुगर कंटेनर को विजिट करेंगी। द मेन एम ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इज टू प्रोवाइड गुड फूड फॉर द एनिमल्स, टू प्रोवाइड फ्रेश वाटर एंड गुड शेल्टर टू एनिमल्स, टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट डिजीजेस। तो हम जब एनिमल्स को रियर आउट करते हैं तो हम उनको अच्छा खाना देते हैं, अच्छी जगह में उनको रखते हैं, प्रॉपर वेंटिलेटेड उनकी जो स्पेस होती है उसको बनाकर रखते हैं, और टाइम टू टाइम उनको वैक्सीनेट करते हैं ताकि वो बीमारियों से बचे रहें। द प्रोटीन वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर सुपीरियर टू प्लांट प्रोटीन। वी गेट मिल्क फ्रॉम बफलो, काओ, गोट, शीप एंड कैमल। मिल्क कंटेन्स मेनली प्रोटीन, मिनरल्स एंड ऑल विटामिन एक्सेप्ट विटामिन सी। द रैपिड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क जो कि स्टार्ट हुआ था इन द ईयर ऑफ 1970, इसकी वजह से एक रेवोल्यूशन आया था जिसको हम बोलते हैं वाइट रेवोल्यूशन। इंडिया इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, और मेनली इंडिया में कहाँ पर मिल्क ज़्यादातर प्रोड्यूस किया जाता है? वो है पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। वी गेट मिल्क मीट फ्रॉम कैटल्स, गोट, शीप, बर्ड्स, पिग्स एंड फिश। मीट प्रोवाइड अस विद प्रोटीन। अब जो मीट से जो हमें प्रोटीन मिल रहा है वो सुपीरियर होता है प्लांट प्रोटीन से, और प्रोटीन जो होता है ये हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब हमारी बॉडी में ग्रोथ को लेकर आता है। फिश प्रोटीन आर इजिली डाइजेस्टेबल। फिश ऑफर मोर डाइजेस्टेबल प्रोटीन एज कम्पेयर टू एनिमल सोर्सेज। इट ऑल्सो कंटेन्स लेस फैट, इसीलिए फिश को ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, क्योंकि एक तो इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, दूसरा इसके अंदर फैट कंटेंट जो होता है वो कम होता है, एंड ऑल्सो जो फिश ऑयल होता है उसमें विटामिन ए की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो कि बहुत अच्छी रहती है आपकी आईसाइट के लिए एज वेल एज फॉर योर हेयर्स।
सी फिश इज अ गुड सोर्स ऑफ आयोडीन. तो आयोडीन भी हमें सी फिश से ही मिलता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट थायरॉइड, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल. द फिनोमिनल ग्रोथ इन द फिश प्रोडक्शन इज नोन एज ब्लू रेवल्यूशन. द कॉमन एडिबल वेराइटी ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज आर रोहू, कार्प एंड काटला, वाइल द मेरीन फिश वेराइटीज इंक्लूड ट्यूना, मैकेरल, सार्डाइंस एंड पॉम्फ्रेट्स. चिल्ड्रन हैव अ लुक ऑन वंडर बॉक्स, प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन. तो स्वामीनाथन जी को ही टर्म किया जाता है एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. उन्होंने प्लांट्स के लिए इतना ज़्यादा काम किया है कि उन्हें बोला गया है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. He was born on August 7, 1925 in Tamil Nadu and is well known as the father of green revolution in India. Under his observation, high yielding varieties of wheat and rice were planted in the field of poor farmers. Have a look on keywords and explanation, children. Agriculture, the practice of growing plants and rearing animals on large scale for food, fiber and other useful products. Plowing, the process of loosening and turning of soil. Fertilizers, chemical substances rich in nutrient, essential for plant growth. Irrigation, the supply of water to agricultural fields at regular intervals. Weeding, the process of removal of weed from a field. Pesticide, a chemical substance used for controlling and destroying pests. Harvesting, the process of cutting and gathering mature crops. Nitrogen cycle, the process in which atmospheric nitrogen enters the soil, becomes a part of living organisms and then return to the atmosphere. Nitrogen fixation, process by which free atmospheric nitrogen is converted into nitrogenous compound. Animal husbandry, the practice of breeding and raising farm animals. Have a look on the review zone, children. See the first question, tick the correct option. The turning of soil in a field using a plow is called tilling. So, aap tilling ko mark karenge. The unwanted plant that grow on their own in the field is called weeds. Providing water to a crop in a field by human made method is called irrigation. In this method of dash, water is supplied to the plants drop by drop near the roots. So, this is called as drip irrigation. See the fill in the blanks. Dash should be removed from the crops before storing it. So, aapko sabse pehle crop mein se kya remove karna hoga? Moisture. Dash crops are harvested in October. So, September or October mein kaun se crops ko hum harvest karte hain? Yes, tell me. It is kharif crops. A crop that is grown by a farmer to fulfill the needs of his family is called subsistence crops. Subsistence crop. A dash crop are grown in winter season. तो कौन से crops को हम winter season में grow करते हैं? हम करते हैं rabi crops को. Excessive use of fertilizers at a place leads to water and soil pollution. State whether the following statements are true or false. Wheat and potato are the example of kharif crops. See the first one. Wheat and potato are the examples of kharif crops. This is false. First step in crop production is sowing of seed. नहीं, सबसे पहले हम field को prepare करते हैं. Seeds that are eaten by insects sinks in water. नहीं, वो float करती हैं. Tomatoes and brinjals are first sown in nurseries. This is true. All crops require the same amount of water for their growth. No, this is again false. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.